वो कितना मुख्तलिफ है, उसकी सोच कितनी मुनफरिद, कितना खरा और बेखौफ है। जो ठान लेता है वो कर गुजरता है। उसके बात करने का अंदाज, उसके मिजाज का बागपन और उसकी शख्सियत कितनी पुरकशिश है। मगर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूं? क्या मुझे इंसानी हकूक का तकाजा है कि बिला इम्तियाज सबको पानी मिले, मगर अफसोस के बद इंतजामी की वजह से पानी की किल्लत हो रही है। इस बद इंतजामी की कई वजूहात हैं जिसकी वजह से पानी जाया हो जाता है, लेकिन ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिंदगी के बारे में लोग जो भी कहते हैं, आदमी के बारे में लोग कुछ भी कहते हो, मैंने इतना समझा है, मैंने इतना जाना है, जिंदगी गुलाबों की दिलनशी माला है, आदमी मोहब्बत का खुशनुमा उजाला है। कितनी आइडियलिस्टिक लड़की है, ख्वाबो ख्याल की दुनिया में रहती है, अपनी हसीन आंखों के सामने ऐसे सब कुछ खूबसूरत लगता है। हेलो हेलो आरिफ साहब, मैं निजाम बात कर रहा हूँ। उस दिन जो मुजाहरे में आपसे मुलाकात हुई थी याद है? जी जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ आरिफ साहब, एक बुरी खबर। बताइए। आपको याद होगा मुजाहरे के दौरान आपने 3 बच्चे पानी की कमी की वजह से अस्पताल भिजवाए थे। हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो 3 बच्चे इंतकाल कर गए। डॉक्टर ने काफी कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। बहुत अफसोस हुआ सुन के, मुझे इतला देने का बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं आरिफ साहब, क्या बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा फर्ज था। किस बेहेश समाज का हिस्सा है हम, सोए हुए जहन और नीम मुर्दा सोचों से भरता जा रहा है ये माशरा। कोई आवाज नहीं उठती बेजमीरों के खिलाफ जो हमारे माशरे को घुन की तरह चाट रहे हैं। अब मुझे अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। मैं लिखूंगा आर्टिकल और इन बेजमीरों को ललकारूंगा जो मफादार की हवस में भूल गए हैं कि इंसानी जिंदगी सिसक रही है। उनकी बेहिसी की वजह से मैं उन्हें बेनकाब करूंगा, सबके चेहरे बेनकाब करूंगा। मैं Thank you.